ये देखिए चारों साइड पत्थर ही पत्थर, और हम पत्थरों के बीचों बीच पास होके जा रहे हैं। देख सकते बिल्कुल, और यहाँ पे एक अमेजिंग सीन्स है जो कि हम लोग को पत्थरों के बीच होके गुजरना पड़ेगा, मंकी के जैसा बिल्कुल बंदरों के जैसा। और ये सुजल देख सकते हैं बिल्कुल, सुजल जा रहा घुस रहा उसमें, अशोक उसके बाद हम जाएंगे। देखिए अब हम भी मंकी जैसा घुस गए हैं बिल में, और ये देख सकते हैं हम भी बिल के अंदर से ही जा रहे हैं। बिल्कुल माथा भी टकरा रहा ऊपर, आराम से जाना पड़ रहा है आपको। आपके लिए इतना मेहनत करे तो सब्सक्राइब। अरे राहुल आ जाओ भाई, तू भी आ जाओ। और ये क्या, ये तो मुझे बकरी की शक्ल लग रहा है। बकरी हो तो बकरी बन गया, हम लोग तो बंदर ही बने। चलो चलो भाई, बिल्कुल बहुत खतरनाक है यार, मेरा तो पैर ही नहीं आगे जा रहा। चलो चलो, ये देख सकते हो बिल्कुल हमको कितना तकलीफ हो रहा है, और ये हम फंस चुके हैं गाइस, आपको दिखाते हैं। देखिए हम दोनों पत्थर के बीच फंस गए। लो पकड़ो यार, हमको दिखाओ किस तरह हम बाहर आ रहे हैं, दिखाओ जल्दी। तो गाइस देखिए किस तरह बाहर निकल रहे हो, दोनों पत्थर को चीरते हुए निकल रहा है, दोनों पत्थर को चीरते हुए हम बाहर आ गए। अरे राहुल, राहुल निकलो यार, तुम निकलो राहुल, इतना लेट क्यों कर रहा है भाई। अरे यहाँ पे निकलने का जगह रहेगा, आ जाओ हाथ दो हाथ दो। चलो हो गया गाइस, तो आप देख सकते हैं व्यू, आप देख सकते हैं इतना बड़ा चट्टान, आपको तो बड़ा बड़ा चट्टान नजर आ रही होगी, काफी बड़ा बड़ा हो रही है। सुजल आगे बढ़ गया। बहुत मुश्किल है, इसलिए अगली बार से ट्राउजर पहन के आने पड़ेगा यार। यहाँ पे जो भी आप कोई भी आए यहाँ पे, आप बिल्कुल ट्राउजर पहन के आइएगा, ये जींस वाले को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो गाइस जी पहाड़ों में सबसे फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग इसके पीछे पीछे तो शायद बगुले दिख रहे हैं। सुजल को देख सकते छलांग मार मार के पूरा पास हो रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा पत्थर नजर आते हैं। कुछ ही टाइम में हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, ऊपर बोले तो पहाड़ के ऊपर। ये राहुल बंदरों के जैसा, भाई यहाँ पे एक बहुत खतरनाक व्यू आपको दिखाते हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये मधुमक्खी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जाना नहीं भाई नहीं तो डस लेगा ये अपना। और यहाँ पे सुजल पूरा थक गया पूरा, और यहाँ से आप देख सकते हैं राहुल। हाँ देखो भाई बोल रहा है वो सब्सक्राइबर है हम लोग का, थैंक यू भाई थैंक यू। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा पहले से इन लोग चढ़ चुका है, अभी भी थके हुए चढ़ रहा। अरे पहाड़ देख सकते हैं आप लोग, हाँ इन लोग पूछ रहा है हम लोग का यूट्यूब का नाम तो है इडियट्स ब्लॉग भाई, इडियट्स ब्लॉग। अभी हम आप लोग को दिखाते हैं चैनल खोल के। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा फ्रेंड मिल गया है जो कि आप देख सकते हैं इन लोगों को, यहीं का आसपास। आप लोगों का घर कहाँ भाई? बगोदर, बगोदर कानूटोला का, मतलब यही मतलब यही आस पास ही बगोदर एरिया का है, हम लोग भी बगोदर एरिया से ही हैं। तो मिल के आप लोग से बहुत अच्छा लगा हमको। तो यहाँ पे भाई लोग का फोटो शूट हो रहा है, राहुल शूट कर रहा है, और आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं जो यहाँ पे आप मंदिर है तो देख सकते हैं, यहाँ पे एक मंदिर पूरा सबसे ऊंचा जगह पे है। नीचे बैठने प्रॉब्लम होता है तो ऊपर आके बैठ गई। और मैं आपको अपना इधर का व्यू दिखाता हूँ, ये पहले जो पहाड़ दिखाया था वो है, और हम लोग जो ये रास्ता से आए हैं उसके पीछे तरफ से यहाँ पे पूरा चढ़े हैं। हम लोग का घर है उधर जो कि यहाँ से दिख नहीं रहा है,
ये आप व्यू देख सकते हैं, वो तालाब है सामने जो हम पीछे वीडियो में दिखाए हैं। बहुत ही काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत सीन है यहाँ का। तो गाइस हम यहाँ पे अपना व्यू आनंद ले रहे हैं यहाँ पे घूम घूम के, और हम वहाँ से अपना सीन देखते हैं आगे जाके। तो भाई आराम से आराम से। अरे भाई आराम से आराम से। सामने आए भाई, सामने से कोई दिखाते नहीं पड़ा, इतना ऊंचा पहाड़ है। दिख रहा है भाई यहाँ का व्यू, देख सकते हो आप बिल्कुल, काफी देखिए काफी गहरा मतलब ऊंचा पहाड़ है, मतलब बहुत ऊंचा है। यहाँ से अगर कोई गिर रहा है उसका खैर ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग वहाँ पे पार्क किया अपना बाइक, यहाँ से दिख रहा है थोड़ा बहुत। अरे कौन सा गाँव है, यहाँ पे सुजल रावण पूरा एंजॉय कर रहा है अशोक। तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे मिलजुल गया है, उन लोग आपस में फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से प्लान बनाए कि फ़िलहाल अब हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर लिए तो देर से हम यहाँ पे काफ़ी, और हम लोग अभी घर भी जाना है तो इसीलिए हम लोग निकलने का प्लान, घर निकलने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जिधर जिधर से आए हैं और उधर उधर से ही हम लोग घुस घुस के जाना पड़ेगा। तो चलो भाई। देख रहा है गाइस, रोहित का हालत खराब हो रहा है उतरने में, और हम मेरा भी हल्का हल्का हो रहा है, ऐसा बात नहीं हो रहा है। धीरे धीरे देखिए उतरते, कोशिश ट्राई करते हैं गाइस। पत्थर ही पत्थर है रास्ता में, नीचे भगवान के पास चल जाएंगे, नीचे से सीधा फिर ऊपर चल जाएंगे, तो ऐसा ऊपर जाएंगे कभी नीचे नहीं आएंगे। अब बाकी आप समझ सकते हैं उतना। चलिए अब नीचे ही मिलते हैं आप लोगों, तब तक आप लोग का सफर का वीडियो डाल देंगे जो नीचे उतरेंगे पूरा। देखिए गाइस ये जो सुजल किस तरह बंदरों की जैसा उतर रहा है पूरा। अरे अशोक गाइस, हम लोग यहाँ से पहाड़ से नीचे अपना उतर गए हैं सेफली एकदम, कोई किसी को प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ। तो हम लोग अब सीधे बाइक लेके अपना घर निकलते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली अपना नीचे उतर गए हैं पहाड़ से पूरा सेफली, अच्छा लग रहा है। और इन लोगों से रिव्यू लेते हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी हम लोग चढ़े और उतरे सेफली, चढ़े और सेफली उतरे, कभी किसी को कुछ हुआ नहीं, बस रास्ता थोड़ा सा था। बहुत मजा आया, मतलब प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हुआ कि चढ़ने उड़ने में, फिर उतरने टाइम कि कहीं फिसल के गिर ना जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। उधर का नजारा देख के बहुत अच्छा लगा गाइस, वहाँ पे जो लोग मिले थे उन लोग से भी बात करके बहुत बढ़िया लगा। जो भी आएगा सर ट्रोजर पहन के आना, जिनसे मत। और हम लोग अपना पार्किंग के पास आ चुके हैं,
बाइक लेके जाएंगे। और जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ का नाम खटैया पहाड़ है, जो कि बगुदर के एक स्थान पे सिचुएटेड है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपना घर की ओर। हम लोग को भूख लग गया था तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ खाने पीने के लिए, उसके बाद घर जाएंगे, खाना खाएंगे। बहुत जोर से भूख लग चुका है, बहुत जोर से भूख लग चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए हैं, बहुत जोर से भूख लग चुका है। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया भाई, बताओ क्या ऑर्डर दिया है? तो हम लोग का डिश आ चुका है और हम लोग इसको फिनिश करने में लगे हुए हैं। तो गाइस हम लोग घूम घूम के आ गए वहाँ से और अब हम लोग जा रहे हैं अपना घर। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।